यूपी के महोबा में बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों ने जुमा की नमाज के बाद हुई हिंसा और पत्थरबाजी सहित विवादित बयान देने वाली बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। हिंदू संगठन के जुलूस और प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तहसील पे मौजूद रहा। ASP खुद कानून व्यवस्था के तहत मुस्तैदी बरतते देखे गए। बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा द्वारा एक TV डिबेट में धर्म विशेष पर की गई टिप्पणी के बाद देश व प्रदेश में हुई हिंसा पत्थरबाजी को लेकर अब बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में आ गए हैं। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा, पत्थरबाजी और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वहीं हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी बड़ी संख्या में मुस्तैद देखी गई। देखिए, जो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सर को, वो हमारी बहन नुपुर शर्मा के समर्थन में था, जो कि उनने एक डिबेट में बयान दिया था अपने धर्म के प्रति। इस वजह से हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, जो उनका विरोध किया जा रहा है दूसरे धर्म के लोगों की वजह से। तो हम नुपुर शर्मा बहन के समर्थन में उतरे हैं मैदान में। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवा शाखा जो है, उसने जो घटनाएं आजकल चल रही हैं उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है ये, इसको हम लोग महामहिम के पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।